महाराज को जब लगा पता कि सबके ऊपर शनि की साढ़े साती आती है, मैं इंद्र का मित्र भी हूं, पक्षधर हूं, सहयोगी हूं, युद्ध में मैंने उनका साथ भी दिया था, देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी, तो मैंने देवताओं के लिए इतना कुछ किया, तो शनि भी देवता है, फिर भी शनि कि साढ़े साती अयोध्या पे आएगी। इतने बलशाली थे महाराज दशरथ, मैंने कल भी बताया, देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति महाराज दशरथ में थी। तो महाराज दशरथ रथ को लेकर के शक्ति के बल पर, मंत्रों के बल से शनि देवता के पास पहुंच गए। शनि देवता को उनकी धर्म पत्नी का श्राप है कि जिसकी तरफ तुम सीधी दृष्टि से देखोगे उसके बुरे दिन आ जाएंगे। ये क्यों श्राप लगा था? शनि देवता सूर्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए तप कर रहे थे, विवाह हो गया लेकिन पत्नी की तरफ देखा तक नहीं, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए विविध नियम धारण करके साधना में रत थे, शादी हो गई, विवाह हो गया, पत्नी की तरफ देखते नहीं थे। और इनका ये था कि पहले श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा तब गृहस्थ जीवन जीऊंगा, नहीं तो नहीं, पहले कृष्ण दर्शन करूंगा। जब ये बात पत्नी को पता चली तो पत्नी ने शनि देवता को श्राप दिया, जाओ तुम जिसको देखोगे उसके बुरे दिन आ जाएंगे, अब देख लो किसको देखना, मुझको छोड़कर। तब से शनि ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अक्सर शनि के मंदिरों में शनि बिल्कुल सीधे रहते हैं, लेकिन ये दोष की बात है। मंदिर में शनि की स्थापना उधर मुख नहीं होना चाहिए जिधर द्वार होता है, साइड में मुख होना चाहिए ऐसे। शनि की पत्नी का श्राप है शनि को, जिसको तुम सीधी दृष्टि से देखोगे उसके बुरे दिन आ जाएंगे। तो शनि के सामने जब महाराज दशरथ पहुंचे कि मुझसे युद्ध करो, मेरे होते तुम्हारी साढ़े साती अयोध्या पे नहीं आ सकती, कितने बलशाली थे महाराज दशरथ, चुनौती दे दी शनि को। शनि ने तुरंत मुंह ऐसे घुमा लिया, क्योंकि सीधी दृष्टि से देखना नहीं, देखेंगे तो बुरे दिन आ जाएंगे। तो शनि ने तुरंत मुंह घुमा लिया, महाराज दशरथ की तरफ देखा नहीं और बोले, मैं जानता हूं आप अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों को हथेली पे रख करके मेरे लोक में आए हैं। आप जानते हैं कि मुझको मेरी पत्नी का श्राप है, जिसकी तरफ मैं देख लूं उसके बुरे दिन आ जाते हैं, ये पता है आपको, तब भी आप मेरे सामने आ गए। आपको अपनी प्रजा की आगे अपने प्राणों की भी कोई परवाह नहीं, ऐसा प्रजा पालक राजा हमने कभी सुना नहीं, अपने प्राणों से भी बढ़कर के जो अपनी प्रजा से प्रेम करता है, मैं आपकी इस निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हुआ, अब आप लौट जाओ, मैं प्रभु के विधान से ही कार्य करता हूं अपनी मन से नहीं, जिसकी राशि में मैं आता हूं उसके पापों का भुगतान कराता हूं, यदि पाप ही नहीं हुए उसके तो मैं क्या भुगतान कराऊंगा, तो मैं उसको कुछ नहीं करता, उसके बुरे दिन नहीं आते।
इसलिए आप लौट जाओ। लेकिन महाराज ध्यान रखना, मेरे सामने से रथ को नहीं ले जाना। महाराज दशरथ रथ पर बैठते हैं और जब लौटने लगे, उतावले में कहिए, किसी भी प्रकार से कहिए, और शनि की दृष्टि पड़ गई, रथ पर दृष्टि पड़ी। महाराज दशरथ को देखा नहीं, क्योंकि महाराज दशरथ रथ पर बैठे, रथ मुड़ गया तो रथ के पीछे वाले भाग को देख लिया शनि ने, और शनि की दृष्टि पड़ती रथ जल गया, घोड़े बच गए, महाराज दशरथ बच गए।